भाई कुछ भी कह लो, जितना भी कह लो, लेकिन ये सो कॉल्ड हेटर्स ऐसे हैं ही कि मुंह उठाकर चले आते हैं, भले ही जितनी बार मुंह की खानी पड़ती है फिर भी चले आते हैं। इन्हें शहनाज गुल कतई ही नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी शहनाज गुल के प्रोजेक्ट्स पे डिक्टो पूरी की पूरी हमेशा नज़र रखनी है। शहनाज गुल का एक गाना भी आता है, उसमें भले ही शहनाज गुल की 2 से 3 सेकंड की झलक देखने को मिले, बराबर खबर पता है, सब कुछ पता है, और शहनाज गुल इन्हें पसंद भी नहीं है। भाई सोचने वाली बात है कि आपको शहनाज गुल पसंद भी नहीं है, लेकिन डिक्टेटिव की जैसे नज़र हमेशा शहनाज गुल पर आपकी बरकरार रहती कि ओ 2 से 3 सेकंड के लिए शहनाज गुल दिखी, भाई इसका भी मजाक बना है। लेकिन आपको बता दें कि इस चीज़ के भी भाई चर्चे हो गए हैं। जी हाँ, चर्चे इस बात की हो गए हैं कि शहनाज गुल का जो ग्लिम्स देखने को मिला उसके आर्टिकल्स बेहद ज़्यादा छपे। जी हाँ, मूवी जो है सभी को पता है सलमान खान और पूजा हेगड़े जिसकी मेन स्टार कास्ट है, और शहनाज गुल भी इसमें रोल देने वाली हैं अपना इस मूवी में। कभी किसी ने आज तक नहीं कहा कि शहनाज गुल इस मूवी में लीड रोल में है, लेकिन ये तो उन मूर्खों ने फालतू का बवाल मचाया कि शहनाज गुल का रोल इतना छोटा है। भाई हमने या किसी भी फैंस ने कभी कुछ कहा कि शहनाज गुल का लीड रोल है, किसी ने नहीं कहा, बल्कि शहनाज गुल को सभी ने अप्रिशिएट किया कि वो इतनी बड़े बजट की मूवी में शामिल हो रही। आज वो साइड रोल में है, कल को उन्हें मेन लीड रोल्स भी मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें 100% में भी शहनाज गुल दिखाई देने वाली है, और भी थैंक्स फॉर कमिंग मूवी में दिखाई देने वाली है, उसमें लीड रोल में शहनाज गुल को लिया गया है। लेकिन शहनाज गुल दिख तो रही है भैया, जो 3 साल से दिख नहीं रहे, आप उनका हाल चाल लीजिए जाके, अपने आइडल का हाल चाल लीजिए जाके। शहनाज गुल जितना भी काम कर रही हैं उन्हें पता है कि कितना आगे तक उनके काम आने वाला है, वो उस हिसाब से कर रही हैं और लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। इसी से तो हेटर्स की जली पड़ी हुई है आर्टिकल से।